गुड मॉर्निंग पीपल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम उठ चुके हैं और हम फ्रेशन अप भी हो गए हैं, मुंह हाथ धो लिए और अभी जाना है हमको जिम। तो इसलिए हम इतनी जल्दी उठे हैं बिकॉज सुबह सुबह जिम जाते हैं और उसके बाद अपना दिन शुरू करते हैं। और आज का मौसम भी काफी अच्छा है, क्लाउडी है, विंडी है, बहुत 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 अच्छा है आज का मौसम। और आज का दिन शुरू करते हैं और आगे चलते हैं, रेडी होते हैं जिम के लिए। बट उसके पहले मॉर्निंग रूटीन करते हैं जो है गर्म पानी, चिया सीड्स विथ अ हाफ लेमन का जूस। और सुबह उठने पे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, जब तक सोए रहते हैं तब तक ही लगता है अरे यार छोड़ो नहीं जाते नहीं जाते, बट जब उठ जाते हैं तो उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है और इतना शांति रहता है ना सुबह में। ऐसा कुछ नहीं, ची ची चू चू का कुछ आवाज नहीं आता है, चिड़िया की आवाज आती रहती है, बहुत बहुत पीसफुल होता है सुबह उठना। तो है अभी तो गर्मी है तो बहुत 5 o'clock ही उजाला हो जाता है, लेकिन जब जाड़ा होता है तो 5 बजे भी ऐसा लगता है अंधेरा ही है पूरा। तो भी बनाते हैं अपना चिया सीड्स मतलब सोख करके रख चुके हैं। तो हम हो गए रेडी जिम जाने के लिए, तो चलिए हम चलते हैं जिम। मोस्टली हम जिम वॉक करके ही जाते हैं क्योंकि 5-10 मिनट्स का ही रास्ता है। तो हम जिम पहुंच गए, चलते हैं ऊपर जिम। अभी चेंजिंग रूम में है और फिर चलते हैं जिम करें। तो मेरा जिम विम हो गया है कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं घर की ओर। और बाहर का मौसम सुबह सुबह तो काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन अभी एकदम धूप धूप और अब गर्मी भी हो रही है, तो पता नहीं पटना में बारिश कब ही होगी। खैर कोई नहीं, चलिए चलते हैं घर की ओर। इतनी चिलचिलाती धूप है कि पटना का एक दिन गर्मी मार ही डालेगा। वो तो सुबह के 8 बजे का सीन है। तो हम आ गए हैं वापस जिम से और फ्रेशन अप भी हो गए, नहा। हम सोच रहे हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाए क्योंकि भूख तो बहुत जोर से लग रही है। जिम से आने के बाद भूख काफी कस के लग जाती है और नींद भी बहुत जोर से आनी है, लगता है बस आगे पड़ जाए सो जाए। तो पहले तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बट आई थिंक हम सोच रहे हैं ब्रेकफास्ट में बनाते हैं ओट्स का पोहा और साथ ही बोल्ड एग। सो हम अपना नाश्ता बना चुके हैं, ये रहा मेरा ओट्स का पोहा और बोल्ड एग। तो अब हम इसे खाएंगे जल्दी 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 जल्दी, मेरे को 3:30 बजे निकलना भी है और उसके पहले मेरे को काम भी अपना खत्म करना है। तो बस यही, और थोड़ा बहुत थोड़ा नहीं बहुत जोर का नींद भी आ रही है, तो सोच रही कि थोड़ा हाफ एन आवर सो लिया जाए और उसके बाद काम किया जाए। सो लेट्स सी क्या करते हैं। सबसे पहले तो अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं और ये काफी हेल्दी भी होता है और इजी भी होता है और बहुत क्विक होता है बनाने में। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं या आप नॉर्मल ब्रेकफास्ट भी आपको कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा और कुछ हेल्दी करने का मन कर रहा है, तो आप ऐसे जल्दी जल्दी बना सकते हैं क्योंकि अभी इतना गर्मी है कि किचन में खड़ा नहीं रहा जाता है। ऐसा लगता है कुछ जल्दी से बन जाए वही खाएं। और वैसे यही है, तो अगर हमको खुद को बनाना होता है कुछ कि अपने लिए हम स्पेशली कुछ बना रहे, तो हमेशा ऐसे ही रेसिपी देखते हैं जो इजी क्विक बन जाए और किचन में ज्यादा देर खड़ा भी ना रहना पड़े, क्योंकि अभी 2 मिनट ही किचन में खड़े रहने पर एकदम पसीना ऐसे ऐसे तर 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 होने लगता है। एंड आई रियली डोंट नो कि पटना में बारिश कब होगी। इतनी 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 ज्यादा गर्मी है कि ये गर्मी मार डालेगी एक दिन सच में। हे भगवान, पटना में बारिश करवा दीजो। हाँ, आज हमको जाना है एक मूवी देखने, जो कार्तिक आर्यन का भी न्यू मूवी आया है चंदू चैंपियन। उसका रिव्यूज और उसका जो रेटिंग है काफी अच्छा है और वैसे भी कार्तिक आर्यन का मूवी है तो मिस तो नहीं करना बनता है।
अगर है टाइम देखने का तो जरूर जाके मूवी में उसका मूवी जरूर देखते हैं। और कौन कौन कार्तिक आर्यन का फैन है यहाँ पे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वैसे तो मोस्टली लड़कियां ही होंगी तो बस यही है। और जाएंगे, और कुछ कुछ काम भी है वहाँ पे, जो सिटी सेंटर मॉल है आईनॉक्स में, वहाँ पे जाएंगे मूवी देखने के लिए। और वहाँ पे कुछ कुछ काम भी है तो वो भी हो जाएगा और मूवी भी देख लेंगे साथ ही साथ। और अगर कुछ खाना पीना हुआ तो वो भी कर लेंगे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम बाहर का कुछ भी नहीं खाए। और ये कितना तक हो पाता है, कितना अपने आप को ऐसे रख पाते हैं मजबूत स्ट्रांग, सब देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। तो अभी बज रहा है दिन का 1 और मेरा जो है काम वो आज का खत्म तो नहीं हुआ है, बट काम चला टाइम्स खत्म हो गया है। और एडिटिंग भी हो गया है और वॉइस ओवर्स भी हो गया है कुछ कुछ, और कुछ कुछ बाकी है अभी। तो हम उसको आके वापस, आई थिंक हम सोच रहे हैं कि हम उसको करें बाद में, और हम थोड़ी देर सो जाते हैं, उसके बाद उठ जाएंगे, उसके बाद जाएंगे चंदू चैंपियन देखने। ये तो हम सोच रहे हैं कि अभी दिन में कुछ हल्का फुल्का ही खाया जाए, क्योंकि जा रहे हैं मूवी देखने के लिए तो ऑब्वियसली 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 पॉपकॉर्न तो खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि मूवी देखते देखते पॉपकॉर्न तो चाहिए ही होता है, और मूवी देखते देखते कौन नहीं पॉपकॉर्न खाता है यार। तो आई थिंक घर पे थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं और बाहर जाके थोड़ा सा भारी कर लेंगे। दैट डजंट मेक एनी सेंस, बट ये दिल को तसल्ली और मन को तसल्ली होता है कि हाँ भाई पूरे दिन बहुत कैलोरी इनटेक नहीं हुआ, बट एक्चुअल में उससे ज्यादा हुआ। बाहर जाना हो और बड़े समझ में आ जाए कि क्या पहने तो क्या ही बात है, मतलब दिमाग खराब हो जाता है क्या पहने क्या पहने क्या पहने क्या पहने। ओ आज हम सोच रहे हैं सूट पहनते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए सूट नहीं पहने, हमेशा वेस्टर्न वियर ही पहन के जाते हैं। तो आई थिंक आज सूट पहनते हैं, और देखते हैं पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, जीन्स ही पहनते हैं। हम हो चुके हैं बिल्कुल रेडी और ट्रेडिशनल वेयर ही पहने हैं और जा रहे हैं। अब हम वापस घर आए, ये चश्मा छूट गया था पापा का, वही टाइट करवाना था, सजा जा रहे थे वहां पे हो जाता है इसका शोरूम है, तो बस आधे रास्ते पहुंच गए थे, मतलब थोड़ी दूर चले गए थे और हम भूल गए फिर। तो ये है जो हम पापा को गिफ्ट दिए थे, तो बस एक बार आया जो हम पापा को गिफ्ट दिए थे ऑन फादर्स डे, तो उनको थोड़ा सा ढीला हो रहा है और ये चश्मा, तो बस टाइट करवाना था तो वापस आए जल्दी जल्दी, थोड़ा सा लेट भी रन कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं मूवी देखने जाना। मॉल में गए और शॉपिंग ना किया, ऐसा हो सकता है क्या? भले वो विंडो शॉपिंग ही क्यों ना हो। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द आईनॉक्स, दिस इज एक्चुअली अ रियली गुड आईनॉक्स इन पटना, दिस इज पटनास, ये पटना का बेस्ट थिएटर सिनेमाज घर जो भी है उसमें से एक है। अब भी पिक्चर शुरू होने में थोड़ा टाइम है तो बैठ जाते हैं, जहाँ पे बैठे हैं उसके सामने बहुत सारे खाने के ऑप्शंस, सिर्फ खाना ही खाना है और बहुत सारा वैरायटीज है यहाँ पे। और जब से आईनॉक्स खुला है तब से यही प्यार है मूवीज देखने के लिए, और यहाँ का साउंड क्वालिटी, सिटिंग अरेंज, घर से तो सोच के आए थे कि कुछ नहीं खाएंगे लेकिन यहाँ पे तो आके लग रहा है दिल फिसल जाएगा, और इतना मुंह सारा पॉपकॉर्न 4-5 लोग मिलके खाने वाले थे आ हम। चुके हैं घर अब, और नहा वहा भी लिए है क्योंकि गर्मी बहुत था, चिपचिपा सा हो गया था एकदम, तो फटाफट नहाए है क्योंकि मेरे पास एक वॉइस ओवर आ गया है जो मेरे को 10 बजे तक करके देना है, और अभी 9:30 ऑलरेडी बज चुका है, और सिर्फ मुझे वॉइस ओवर नहीं करना, उसका स्क्रिप्ट भी लिखना और उसके बाद उसको वॉइस ओवर करके देना है, और ये वाला वॉइस ओवर लिखने में थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत हो रहा है, बिकॉज इसमें कुछ बहुत स्पेसिफिकेशन के साथ चाहिए और मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि क्या लिखे क्या लिखे क्या लिखे इस पर। तो बस अभी वही सोचते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि 10 बजे तक मेरे को किसी भी हालत में देना है, तो बस यही है, बस करते हैं अपना काम जल्दी जल्दी, आधे घंटे में करना पड़ेगा काम, और देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है, बस यही है। और उसके बाद सोएंगे या एक वेब सीरीज देख रहे हैं गुल्लक, उसको देखेंगे और उसके बाद सोएंगे, देखते हैं क्या करते हैं, पहले काम खत्म कर लेते हैं।
तो अभी हम वॉइस ओवर का स्क्रिप्ट लिख के भेज दिए हैं, और अभी बज रहे हैं 10:30, तो अभी भेजे हैं क्योंकि टाइम लग गया बनाते बनाते उसे लिखते लिखते, कि क्या लिखे, इसका की पॉइंट्स क्या होगा, ये सब तो उसमें टाइम लग गया। तो अभी बस यही अभी भेजे, और वहाँ से आएगा कि ये सही है, इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है या क्या करना है। तो एक बार फाइनल आ जाएगा तो उसके बाद वॉइस ओवर देंगे, और उसके बाद जाएंगे सोने के लिए। उससे पहले मूवी के बारे में बात करते हैं थोड़ा बहुत। तो मूवी एक्चुअली हम कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं गए थे, बस हम देखे थे कि हाँ वो अच्छा है, रिव्यूज अच्छे हैं, बस इतना देख के गए थे, और थोड़ा और ट्रेलर देख के गए थे। तो एक्चुअली इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था इस मूवी से जितना ये मूवी दे दिया। मतलब इतना मोटिवेशनल स्पीचेस या मोटिवेशनल सीन्स, मोटिवेशनल डायलॉग्स थे कि आपको टच करेगा इतना ज्यादा कि आपको लगेगा अरे ये तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कुछ। और कार्तिक आर्यन का जो एक्टिंग था, इट्स लाइक सीरियसली, मतलब इतना अच्छा एक्टिंग उसने किया। और मूवी का जितना भी, मतलब शुरुआत में ऐसा थोड़ा सा था कि ये धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन जब वो पिकअप किया ना, मतलब सीरियसली इट इज माइंड ब्लोइंग। और ये मूवी एक्चुअली सबको देखना चाहिए, हर एक आदमी को देखना चाहिए जो अपने लाइफ से हार चुका है, उसे ये मूवी जरूर जरूर जरूर। ये मेरा बॉलीवुड का सबसे बेस्ट मूवीज में से अभी तक का था, जो पोस्ट पैंडमिक मूवीज जितने भी आए उससे सबसे बेस्ट मूवीज मूवी ये था जो हॉल में देखने लायक था। मतलब आपको ये मूवी, पूरे मूवी में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, नॉर्मल आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, बहुत 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 कुछ इन्फॉर्मेटिव बायोपिक। थैंक गॉड कि ऐसी मूवी बन रही है अभी बॉलीवुड में। इट्स अ हैट्स ऑफ मूवी, सीरियसली मेरे को तो बहुत कुछ मोटिवेशन मिला इस मूवी से। और आप लोग भी देखिए और आप लोग भी बताइए कि आपको कैसा लगा। तो अभी बस यही है, अभी आएगा कि वॉइस ओवर करना है उस पे कि नहीं करना है, कि उसमें कुछ कुछ चेंजेस करना है थोड़े बहुत। ये ऐसी मूवी है जिसमें आपको बहुत बहुत सारी सीन में आपको रोना आ जाएगा, आपके आंख में आंसू आ जाएगी, इस टाइप की मूवी है। और काफी अच्छी मूवी है, हर किसी को देखना चाहिए। और जो लोग स्पेशली जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एनजाइटी होते हैं उन्हें, या किसी भी मेंटल इलनेस से जाते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, वो काम क्यों नहीं हो रहा है, तो इट इज अ मस्ट। आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें ये जरूर मूवी देखनी चाहिए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कभी भी हार नहीं मानना चाहिए अपने लाइफ में। फॉर एवरी यंगस्टर, या फिर ऐसा कह लीजिए कि हर किसी को ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी लोग गिव अप कर देते हैं, आजकल बहुत जल्दी लोग हर कोई हार मान लेते हैं, तो उन सबके लिए मूवी है। आप इस मूवी को देख के जब निकलोगे मूवी थिएटर से बाहर, तो पॉजिटिविटी आपके अंदर पूरी फैल जाएगी, एकदम वो जो ऊर्जा होता है ना, एकदम ऐसा वाला कि अब तो कर दिखाना है कुछ, वैसा वाला आप ऊर्जा से पूरे भर जाइएगा, एकदम पॉजिटिविटी आपके ऊपर नीचे सारी जगह आपके बॉडी में फ्लो कर रही होगी। तो बस ये ऐसी मूवी थी, एकदम पॉजिटिविटी फैलाने वाली मूवी थी। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब पता नहीं वो कब बोलेंगे कि वॉइस ओवर करना है उस पे या नहीं करना है, तो अभी देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर नहीं बोले 11 o'clock तक फिर जाके सो जाएंगे। सो बाय बाय एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट व्लॉग। गुड नाइट।